जय हिंद दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से समूचे उत्तराखंड के लिए एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का एक जवान ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। सही जवान की पहचान रोहितास बिष्ट के रूप में हुई है। बताया गया कि मूल रूप से राज्य के पिथौरागढ़ जिले का रहने वाला था। उनकी उम्र महज 24 साल थी। वे अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। परिवार के इकलौते बेटे की सेहत की खबर से जहां उनके परिवार में कोहरा मचा है, वहीं समूचे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सही जवान का पार्थिव शरीर बुधवार तक उनके आवास पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मूल रूप से राज्य के पिथौरागढ़ जिले के रावल गांव जागपुरा निवासी रोहितास बिष्ट आईटीबीपी में कार्यरत थे। वर्तमान में उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में भारत चीन बॉर्डर पर आईटीबीपी की 9वीं बटालियन में थी। बताया गया कि बीते दिनों पेट्रोलिंग के दौरान पैर फिसलने से वह नदी में समा गए, तभी से उनका कोई पता नहीं चल रहा था, जिसकी खबर आईटीवी के अधिकारियों को रोहितास के लापता होने की खबर उनके परिवार को दे दी गई। बीते सोमवार को आईटीवी के अधिकारियों से रोहितास की खोजबीन के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने पर रोहितास का शव बरामद किया गया, जिसकी खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक रोहितास साल 2021 में आईटीबीपी में भर्ती हुए थे। 21 अप्रैल 2022 को सेंट्रल कॉलेज अलवर राजस्थान में उनकी बेसिक ट्रेनिंग पूरी हुई थी। बता दें कि रोहितास का परिवार वर्तमान में पिथौरागढ़ शहर के एंचोली में रहता है। रोहितास की भर्ती होने से पहले ही उनके पिता जितेंद्र सिंह बिष्ट एंचोली में दुकान चलाते थे। तो दोस्तों, वीर बलिदानी का ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। देश हमेशा उनके इस बलिदान का ऋणी रहेगा। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।